हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चिकन तो आप कई बार और कई तरीके से बनाए होंगे। आज आप मेरे साथ मेरे स्टाइल में कोकोनट चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये रेसिपी देखने में जितनी अच्छी लग रही है, इसका जायका इससे भी ज़्यादा अच्छा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। 600 ग्राम चिकन के लिए मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च हसबे ज़रूरत आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और सूखी हुई लाल मिर्च भी डालना है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। हसबे ज़रूरत नमक डालेंगे। अब डालते हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसमें हमने काली मिर्च और हरी मिर्च भी डाला है, बाद में हम सूखी मिर्च भी डालेंगे, इसीलिए आप मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 10 to 15 करी लीव्स डालेंगे। करी लीव से इसका जायका बढ़ेगा, आप चाहे तो करी लीव ज़्यादा भी डाल सकते हैं। करी लीव्स डालने के बाद इसमें डालेंगे मिंट लीव्स, आप चाहे तो इसमें कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस आप अपने स्वाद अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन जूस डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिनिमम 1/2 आवर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो अभी भी इसे बना सकते हैं। अगर आप इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे तो सारे इसके स्पाइसेस के फ्लेवर्स चिकन में डीपली अब्जॉर्ब हो जाएंगे। मिनिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स भी इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं। मैरिनेशन होने तक हम इसकी ग्रेवी के लिए मसाले तैयार कर लेंगे। ग्राइंडर जार में अब हम डालेंगे कोकोनट। इसे टेंडर कोकोनट भी कहते हैं। ये कोकोनट तो आप ज़रूर देखे होंगे, जो आप नारियल पानी पीने के बाद उसके अंदर जो पतली सी लेयर होती है कोकोनट की, आज मैं उसी से ये रेसिपी बना रही हूँ। अगर आपके पास ये कोकोनट अवेलेबल नहीं हो तो आप कच्चा नारियल भी डाल सकते हैं। गैस पे रखेंगे पैन। अब इसमें डालते हैं कुकिंग ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ज़ीरा। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें डालते हैं 1/4 टीस्पून मस्टर्ड। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च को 2 हिस्सों में तोड़ के डालेंगे ताकि इसके फ्लेवर्स अच्छे से निकल आएँ। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हैंडफुल करी लीव्स, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए करी लीव्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज़ की 1 कटी हुई प्याज। गैस की फ्लेम थोड़ी देर हाई और थोड़ी देर मीडियम करते हुए ऑनियन लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए ऑनियन लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपनी कुकिंग में तेल की क्वांटिटी कम रखती हूँ, आप चाहे तो तेल ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। हाई फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे, इस पर लिड लगाकर और 8 से 10 मिनट पकाएंगे। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ कोकोनट। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम पर चिकन गलने तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। 3 टीस्पून दही को हमने ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, अगर आप इसमें दही नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन दही से इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम लो करेंगे
इस पे लिड लगाकर चिकन गलने तक पकाएंगे। हर थोड़ी देर पर इसे चेक करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये कितना टेस्टी लग रहा है। आप चाहे तो इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को बंद करके इसे कुलचा, पराठा, नान या फिर रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे और थोड़ी देर पकाकर इसे बिल्कुल ड्राई करूंगी। अगर आप इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं। चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।